गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हड्डी मूवी देख ली है जो G5 पे रिलीज हुई है। अब देखो मैं एक चीज तुमको बता दूं भाई, ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, चाहे बुरा लगे या कुछ भी लगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक टाइम पे मेरे काफी अच्छे एक्टर हुआ करते थे, फेवरेट एक्टर हुआ था, क्योंकि उनकी एक्टिंग, उनका डायलॉग, उनका वो एक्शन, वो रिएक्शन काफी ज्यादा मेरे को पसंद था। ट्रेलर देखा तो मेरे को काफी ज्यादा मतलब ये था भाई, होप था कि कुछ तो नया आ रहा है इस बार, हो सकता है बंदा चेंज कर, लेकिन सच बताऊं तो भाई बहुत ही ज्यादा मेरे को नाराज किया इस मूवी में। देखो उनका लड़की का रोल नो डाउट काफी ज्यादा अवतार मतलब अच्छा दिख रहा था जब वो ट्रांसजेंडर बन रहे थे। अब वो ट्रांसजेंडर क्यों बन रहे थे भाई, इस स्टोरी को जानने के लिए भाई तुम मूवी देख लेना। अब देखो इस मूवी का जो स्टोरी है ना वो तुमको कुछ कुछ याद दिलाएगी, बेगम जान तुमने देखा होगा भाई, विद्या बालन की बेगम जान मूवी, तो तुमको थोड़ा बहुत याद दिला सकती है उसके बारे में कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी किस तरीका से भाई किसी का बदला लेने के लिए वो किस तरीका से अपना ट्रांसजेंडर, तो वो पहले से शायद, अब देखो ये मैं बताऊंगा नहीं, शायद रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, लेकिन जब वो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं उसके बाद से जब वो विलन के पास जाते हैं तो वो किस चीज़ का बदला लेते हैं, बस वही जानने के लिए भाई मेकर्स ने इतने दूर तक तुमको अटका के रखा हुआ रहता है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो ये मूवी उतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं होती, आपको कहीं कहीं बीच बीच में बोरिंग लगेगा कि भाई एक्चुअली में चल क्या रहा है ये, मतलब कोई मूवी का हाथ नहीं है, कोई मूवी का पैर नहीं है। लेकिन मैं इस मूवी को सिर्फ इसलिए देखा था क्योंकि मैंने सोचा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को कनेक्ट होगी। हाँ कोई कोई जगह पर उनका जो लड़की वाला अवतार है ना और जो डायलॉग्स है ना वो थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा आप सेम चीज़ में देखोगे ना तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। मतलब सच बता रहा हूँ वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो भाई साहब हम लोग पहले की मूवी में, पहले की वेब सीरीज़ में देखा करते थे। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, उनकी एक्टिंग को, उनके डायलॉग्स को, उनका फेस रिएक्शन भाई इस मतलब इस मूवी में एकदम ही एकदम पूरा का पूरा मिसिंग। स्टोरी लाइन के बारे में मैंने बोल दिया भाई, आप जब देखोगे जैसे ही थोड़ा सा मूवी आगे जाएगा तो आप समझ जाओगे कि भाई मतलब आगे क्या होने वाला है, मतलब प्रिडिक्ट कर लोगे भाई आगे ये बंदा क्या करने वाला है, ठीक है। और विलन जो दिया ना भाई वो भी मेरे को उतना सच बताओ उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं लगता है। अब देखो एक चीज़ इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हड्डी नाम है, मतलब ये मूवी का जो हड्डी नाम है उनका मूवी में भी हड्डी नाम है, तो जो हड्डी नाम है वो एक्चुअली में किस लिए हड्डी नाम पड़ा उसकी एक स्टोरी है, जब तुम जानोगे थोड़ा बहुत मूवी आगे जाएगा तो तुमको पता चलेगा। लेकिन वहाँ पर जो कुछ ऐसा दिखाया जाता भाई, जिस तरीका से वो बॉडी को काटते हैं, मतलब पूरा का पूरा रॉ दिखाया जाता है, कहीं पर कोई बंदा गोली मारा जा रहा है तो पूरा एकदम रॉ मतलब दिखेगा कि भाई ओरिजिनल लग रहा है, वो सब चीज़ से तुम थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो सकते हो। शॉकिंग चीज़ है भाई, मतलब जिंदा बॉडी को जलाकर उसकी हड्डियाँ निकाली जा रही है, वो सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन स्टोरी लाइन उतनी ज़्यादा खास नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो एक्टिंग वो ठीक ठाक ही, वन टाइम वॉच के लिए ये मूवी तुम देख सकते हो। तो चलो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।